दोस्तों लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोग खजियार से तीसा तक आए थे और तीसा से भी 1 किलोमीटर आगे हम लोग आ गए थे। नाइट स्टे हमने यहीं किया था। आज हम तीसा से आगे सचपास की ओर बढ़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अब तक आपने इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत नज़ारे आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब जर्नी और भी ज्यादा एडवेंचर्स और खूबसूरत नज़ारों से भरी रहने वाली है। अब आगे हमें बहुत से ग्लेशियर्स का भी सामना करना पड़ेगा और हमें यह भी देखना है कि हमारी सेंट्रो कार कैसा परफॉर्म करती है, और यही रास्ता हमें वाया सच पास लद्दाख तक लेकर जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। और मैं उन सभी लोगों को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा जो लोग लगातार हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट से हमें अनुमान लग जाता है कि कौन कौन लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप भी कमेंट करके रेगुलर व्यूवर्स की लिस्ट में खुद को शामिल कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए सच पास रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। तो नाइट स्टे तीसा के आसपास हमने किया था। आज हम सचपास की ओर निकल रहे हैं। करीब यहाँ से 55 या 60 किलोमीटर के अराउंड रह गया होगा सचपास, उसको कवर करेंगे। और आसपास में जितनी भी वहाँ जगह हैं, हो सकता है सचपास से आगे भी निकल जाएं, जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलेगी। फ़िलहाल ऑल सेट हैं, सब नहा लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, और रास्ते में थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, और सचपास की ओर ये जर्नी होने वाली है। बहुत एडवेंचरस रास्ता रहेगा, बहुत शानदार खूबसूरत व्यू आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। सब रेडी हो गए हैं, चलिए निकलते हैं। तो अभी हमने होटल से चेकआउट कर दिया है और सचपास की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। जहां हमने होटल लिया था वहां से 400-500 मीटर की दूरी पर ही ये एक टी पॉइंट मौजूद है। वहाँ सामने ही अत्री टी स्टॉल है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ हम रुके हैं यहाँ पर ये एकमात्र वेजिटेरियन ढाबा है। इसी ढाबे पर रात हमने डिनर किया था, और अभी टी ब्रेक भी हम यहीं पे करने वाले हैं, उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। इस जगह का नाम एग्जैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन इसको चौराहा बोला जाता है। और यहाँ पर आपको वाइन शॉप भी मिल जाएगी। वेजिटेरियन फूड के लिए मात्र एक यही ढाबा है, और यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए भी एक ढाबा मौजूद है। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आज का ये सफ़र बहुत खूबसूरत रहने वाला है। सुबह के अभी करीब 9 बजे हुए हैं और हमने आज अपनी जर्नी की शुरुआत जल्दी कर दी है। हमने मालूम किया था कि आगे के रास्ते भी उतने अच्छे नहीं रहने वाले हैं, लेकिन खूबसूरती बहुत ऊपर के लेवल की मिलने वाली है। तीसा के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया में तीसा नाम के ही 3 अलग अलग शहर हैं, या कह लीजिए गांव हैं। उनमें से एक है उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच में एक गांव के रास्ते में स्थित है, उस जगह का नाम भी तीसा है। और एक तीसा है श्रीलंका में। वैसे श्रीलंका वाले तीसा का पूरा नाम तीसा महारामा है, लेकिन जनरली उसको तीसा ही वहाँ लोग बोलते हैं और लोग समझ भी जाते हैं। और तीसरा तीसा जहाँ आज हम मौजूद हैं और आगे आज सच पास के लिए निकल रहे हैं। अब रास्ता देखिए आप, ऑफ रोड है, कहीं पर रोड अच्छा बना हुआ है तो कहीं पर रोड टूटा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर कुछ जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। रोड ठीक है, डिसेंट है अभी तक, आगे कैसा मिलेगा वो आपको बताएंगे।
यहाँ भी कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी कार सेंट्रो कैसे आप सचपास तक लेकर जाएंगे, वो भी देखना है कि सेंट्रो कार कैसा परफॉर्म करती है, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके क्या छोटी कार सचपास तक जा सकती है, वो भी 5 पैसेंजर को लेकर। वो भी हमें देखना है और आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर तीसा से मैं सचपास की बात करूँ तो करीब 57-58 किलोमीटर के समथिंग रह गया है। तीसा से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है, बहुत खूबसूरत गांव है वो, खुसागरी नाम का वो गांव है, उसी ओर अभी हम बढ़ रहे हैं। उससे पहले भी कुछ छोटे छोटे गांव हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। वेदर देखिए, आज पूरी तरह से क्लाउडी है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो इस वेदर को देखकर हमें तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर ये वेदर कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। देखेंगे क्या होगा आगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप इन खूबसूरत नज़ारों को देखिए। बादल लगभग सड़क के आसपास ही हैं, वीडियो उतना क्लियर नहीं आ पा रही है क्योंकि फोग और क्लाउड दोनों ही रोड के काफ़ी नज़दीक है। टेम्परेचर हमने सुबह ही चेक किया था यहाँ का, जब हम चाय पी रहे थे, करीब 10 डिग्री के आसपास उस समय यहाँ का टेम्परेचर था, और अब हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, और साथ ही साथ एलिवेशन भी बढ़ेगा। काफ़ी ऊंचाई पर अब हम आगे पहुंचते जाएंगे, तो माउंटेन सिकनेस होना यहाँ भी एक आम बात है। तो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे उससे बचा जा सकता है और सब क्या होता है, सब चीज़ें आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी वीडियो से जुड़े रहिए। फिलहाल दोस्तों को खुराफाती सूझ गई है तो गाड़ी लगा दी है साइड में। मैं स्टेयरिंग पे बैठ जा रहा हूँ मैं। तो सही से पार ले लो दादा, साइड में हो जाओ। तो ना एक बार फिर से ना, अभी सचपास जा रहे थे और रास्ते में एक सेब का बाग देखने के लिए मिला है और दोस्त लोग सेब लेने पहुँच गए हैं, और वैसे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो सेब हम ले सकते हैं, किसी के पर्सनल ये पेड़ नहीं है, जंगल में लगे हुए हैं तो इसलिए ले रहे हैं। दिखाना आया, ये देखिए कितना सुंदर सुंदर से सेब आ रहे हैं। लाओ मुझे दो तुम कैच। लाओ लाओ। तो ये सेब इकट्ठे किए हैं। अरे रुक जाओ यार। कैसा लगा सेब तोड़ के? अच्छा लगा। मजा आया? मजा, बहुत मजा, बहुत मजा। सेब वगैरह तो कलेक्ट कर लिए हैं। वैसे जितने भी हमने सेब कलेक्ट किए हैं ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये जंगल में लगे हुए जो पेड़ होते हैं ना वही पेड़ है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमने इसलिए ले लिया और किसी ने मना भी नहीं किया। यहाँ कुछ जनरल स्टोर्स वगैरह भी मौजूद हैं जगह जगह पर, और जो भी फैसिलिटी आपको मिल सकती है इस रोड पर सचपास जाने वालों को, जो भी फैसिलिटी मिल सकती है एक एक चीज़ आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट सचपास आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आपको कैसी फैसिलिटी मिल सकती है, रोड कंडीशन कैसी है, सब कुछ दिखाते चलेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये नज़ारे देखिए आप यहाँ से, अल्टीमेट व्यू। पतला सा ये रोड है और खूबसूरती लाजवाब, आसमान में बादल छाए हुए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अभी ड्राइविंग करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस तरह के छोटे छोटे गांव रास्ते में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धान की खेती फिलहाल की जा रही है और सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए हैं जिन पर धान की खेती चल रही है। बादल बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हम सामने का व्यू उतना अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, वरना वहाँ हिमालय पर्वत की हमें बहुत खूबसूरत रेंज देखने के लिए मिलती अगर ये बादल नहीं होते तो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। रोड कंडीशन की मैं अगर बात करूं, जब से हम सुबह से चले हैं तीसा से अब तक कहीं कहीं पर छोटे छोटे पैच मिले हैं जहां ऑफ रोड है, अदरवाइज रोड ठीक है अभी तक। आगे की रोड कंडीशन के बारे में हमें पता चला था कि बहुत ख़राब होने वाला है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये नज़ारा देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड पर पूरी वैली दिखाई दे रही है।
एक छोटा सा रास्ता राइट हैंड पर ऊपर की ओर जा रहा था, ये यहाँ के कुछ जो छोटे छोटे गांव हैं उनके लिए वो रास्ता बनाया गया है। पूरी तरह से वो रास्ता कच्चा है। फिलहाल आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। बहुत शानदार नजारे हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। और अभी हम लोग खुश नगरी पहुंचने वाले हैं। उसके आसपास का ये इलाका है, उसको खुश नगरी भी बोलते हैं, खुशागरी भी बोलते हैं। यहाँ सामने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, यानी फैसिलिटी देखिए आप, लाजवाब। अब यहाँ पर व्यू एकदम बदल गया है। बराबर में ये पाइन के लंबे लंबे ट्री देखने के लिए मिल रहे हैं। वहाँ पीछे हम देख रहे थे एकदम खुला एरिया था। तो मैजिकल चेंज हो रहे हैं रास्ते में, यही कारण है इस रास्ते को इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत बना रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं रोड टाइल से बनाई गई है। हमें लग रहा है कि क्या पहाड़ों पर भी टाइल वाली रोड बनाई जा सकती है, वो सक्सेस है, लेकिन यहाँ तो टाइल वाली रोड बनाई गई है। जनरली गांवों में टाइल वाली रोड का निर्माण किया जाता है, यहाँ पहाड़ों पर भी टाइल वाली रोड देखना अपने आप में काफ़ी अलग अनुभव हमें दे रहा है। कुछ ऐसे छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ टाइल वाली रोड बनाई गई है, हो सकता है वहाँ लैंडस्लाइड हुआ हो पहले कभी, जिस कारण रोड को टाइल से निर्मित किया गया है। अब हम यहाँ एक बार फिर से देख पा रहे हैं तारकोल रोड का निर्माण किया गया है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत व्यूज, बहुत खूबसूरत गाँव, अल्टीमेट। आपको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। वेदर भी आज लाजवाब है। अच्छा, मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। उत्तराखंड और हिमाचल में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हिमाचल में हम लोग देखते हैं कि किसी भी पहाड़ पर आप देख पाएंगे कि छोटे छोटे गांवों को बसाया गया है, जबकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। यहाँ सामने एक मैकेनिक शॉप मौजूद है, तो उस तरह की दिक्कत भी आपको नहीं होगी। अगर आपकी बाइक में या कार में कोई इश्यू होता है तो जगह जगह इस तरह की मैकेनिक शॉप मौजूद है। ये नज़ारा देखिए आप सामने, कितना खूबसूरत सा वो पुल है, और वहीं से अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो मैं उत्तराखंड और हिमाचल की बात कर रहा था। तो उत्तराखंड में इस तरह से जगह जगह पहाड़ों पर गाँव या छोटे छोटे घर नहीं बने हुए हैं, लेकिन हिमाचल में तो जितने भी हम पहाड़ देख रहे हैं सभी पर कोई ना कोई घर मौजूद है। यहाँ भी एक छोटा सा गांव मौजूद है, और खूबसूरती जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा बढ़ती जा रही है। रोड कहीं पर टूटा हुआ है, लगभग पूरी तरह से डैमेज है, तो कहीं पर रोड थोड़ा डिसेंट है, ठीक ठाक है, लेकिन जितनी ऊंचाई पर अभी हम लोग मौजूद हैं उस जगह इस तरह की रोड का मिलना ही काफ़ी बड़ी बात है। वो सामने जो आप सिटी देख रहे हैं या सामने जो वो आप बस्ती देख रहे हैं ना, वही खुश नगरी है, और वाकई में खुश नगरी ही होगी। यहाँ के लोग खुश रहते होंगे, कितने खूबसूरत व्यूज़ को रोज़ देखते हैं। ये आ गया है खुश नगरी। यहाँ भी कुछ जनरल स्टोर्स वगैरह मौजूद हैं, और नीचे की तरफ कुछ घर बने हुए हैं, और यहाँ ऊपर मेन रोड पर मार्केट है, जो जिसमें से काफ़ी ज़्यादा दुकानें अभी बंद हैं। कितने अल्टीमेट व्यू है, कितने शानदार एक्सपीरियंस, कितना शानदार नज़ारे। यहाँ पर स्टडी के लिए आईटीआई कॉलेज भी मौजूद है। यहाँ से वो सामने व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। हिमालय पर्वत पर इस समय हम मौजूद हैं, हिमाचल प्रदेश के तीसा से सच पास की ओर बढ़ रहे हैं, लाजवाब नजारे।
खुशनगरी से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव आता है काली नाम का। फिलहाल सामने एक पेट्रोल पंप मौजूद है HP का, तो अगर आपको पेट्रोल का कोई इशू होता है तो ऐसा नहीं है कि आप सचपास जाते वक्त आपको जहरी कैन में पेट्रोल लाना पड़ेगा, यहाँ पेट्रोल पंप भी मौजूद है और ये लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद सचपास तक आपको कोई दूसरा पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा। एक पेट्रोल पंप वहाँ था जहाँ हमने नाइट स्टे किया था, वहाँ एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। उसके बाद करीब 8-9 किलोमीटर आगे आने के बाद ये एक और पेट्रोल पंप देखने के लिए मिला और ये लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद सच पास तक पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। बहुत शानदार नज़ारे। सेंट्रो गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अभी कोई इश्यू नहीं हुआ है। रास्ते देखिए आप कितने नैरो रोड है, कितना नैरो रोड है, मतलब एक गाड़ी ही यहाँ आसानी से चल सकती है, दो गाड़ी बराबर में लाना भी काफ़ी टफ हो सकता है। निकलेगी नहीं, रुकना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी निकल पाएगी। ये शायद काली गांव आ चुका है और यहाँ से देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, अल्टीमेट व्यू। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कोई फ़ायदा नहीं यार वीडियो देखने का, कम से कम एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और नई नई ट्रिप्स आपके लिए लाते रहें, ऐसी रोड एडवेंचर दिखाते रहें और आप घर बैठे हिमाचल प्रदेश या पूरे देश की खूबसूरती को देख सकें। हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं और कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा रहता होगा, कितने लिमिटेड चीज़ों के साथ, कितने लिमिटेड संसाधनों में ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत कम इनके पास सोर्सेज रहते हैं इनकम के, तो मिनिमम इनकम, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसी में अपना जीवन ये बिताते हैं। लेकिन जिस नेचर के साथ ये अपने जीवन को यहाँ स्पेंड कर रहे हैं वो शानदार है। यहाँ भी एक गाँव मौजूद है और यहाँ भी काफ़ी सारी शॉप्स थी लेकिन वो अभी बंद हैं किसी कारण से और लाजवाब नज़ारे। हिमाचल प्रदेश के ये वो अनएक्सप्लोर्ड गांव हैं, वो अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जहाँ शायद ही आप लोग कभी आए होंगे और YouTube पर शायद आपने इस तरह की वीडियोज़ भी नहीं देखी। काली से सर करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक 132 kV सब स्टेशन आता है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत। यहाँ पर रोड के लेफ्ट हैंड पर सपोर्ट लगाई गई है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है जब हम ड्राइविंग करते हैं तो इस सपोर्ट से काफ़ी मदद मिलती है ड्राइविंग करने में। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि सपोर्ट है ही नहीं, तो वहाँ काफ़ी रिस्की हो जाता है ड्राइविंग करना। पहाड़ों के कलर पूरी तरह से अब लगभग चेंज होने लगा है, ये वो पहाड़ हैं जहाँ भारी मात्रा में बर्फबारी होती है। ये देखिए पूरी तरह से टूटा हुआ रोड और सामने हमें कुछ खच्चर दिखाई दे रहे हैं और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग और वो ऑरेंज कलर का लोहे का पुल भी हम देख पा रहे हैं, उसी पुल से हमें गुजरना होगा। रोड लगभग डैमेज और यहाँ भी कुछ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। लाजवाब नज़ारे। या लोहे का पुल, वैसे तो कंक्रीट पुल है ये लेकिन लोहे के गार्टर से इसको सुरक्षित किया गया है। ये पुल पहले नहीं था, पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार लैंडस्लाइड हुई थी जिसकी वजह से ये रोड पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, उसके बाद ही इस पुल का निर्माण किया गया। अगर हम सामने जब उस सामने वाली पहाड़ी पर पहुँचेंगे वहाँ से जब हम इस पुल को देखते हैं ना तो क्लियर व्यू दिखाई देता है कि वहाँ से रोड किस तरह से डैमेज हुआ होगा। पूरी तरह से ऑफ रोड है, रोड है ही नहीं, कह सकते हैं कि एकदम कच्चा पहाड़ है जिस पर अभी हमारी सेंट्रो चल रही है।
जगह जगह जेसीबी मौजूद है। ये यहाँ के लिए प्लस पॉइंट है कि अगर कोई भी लैंडस्लाइड वगैरह होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ये रोड को क्लियर कर सकें और ट्रैफिक को खोल सकें। तो सुविधाओं के नाम पर काफ़ी ठीक है, यहाँ की ग्रीनरी भी लाजवाब है, अल्टीमेट व्यू। चलिए आप ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। सामने मौजूद है 132 केवी सब स्टेशन HPSEBL। इस गांव का नाम कुरथाला है, यहीं पर ही ये पावर प्लांट मौजूद है, पावर प्लांट नहीं लेकिन एक सब स्टेशन है जो यहां के आसपास के गांवों में बिजली सप्लाई करता है। रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं यहां पर, लेकिन रोड नैरो है, चौड़ाई बहुत कम है, लगभग सिर्फ एक ही कार एक साइड से निकल सकती है। अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नज़ारा एंजॉय कीजिए आप। ये यहाँ मौजूद है एक मंदिर, इतना शानदार व्यू, ये व्यू देखिए आप। रोड पूरी तरह से डैमेज, पहाड़ लगभग रोड के ऊपर गिरने को तैयार है और यहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं। देखिए किस तरह से हमें अब यहाँ पर रुकना पड़ा है, क्योंकि सामने से आ रही है एक पिकअप और मतलब एक बार में एक ही कार निकल सकती है, इतना नैरो रोड है। और रोड भी पूरी तरह से डैमेज है, यहाँ के पहाड़ भी ऐसे हैं मतलब उनको हाथ भी लगा दिया ना तो शायद टूट कर नीचे गिर जाएंगे, इतने भुरभुरे वो पहाड़ हैं। कितना खूबसूरत पुल। तो इस तरह के यहाँ छोटे छोटे गांव भी हमें लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। कुरथाला से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर सतियास गांव का एक रास्ता आ जाता है। कितने खतरनाक रास्ते हैं, रोड टूटा हुआ है, रोड पर पानी भरा हुआ है, लेफ्ट हैंड पर गहरी वैली है, गहरी खाई है, कोई सपोर्ट नहीं है, और इस तरह के वाटरफॉल जो सीधा रोड पर गिर रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, साच पास तक तो और भी ज्यादा खतरनाक रास्ते हमें आगे मिलने वाले हैं। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं व्यूज चेंज होते जा रहे हैं, पहाड़ों का कलर भी चेंज होता जा रहा है, रोड कहीं तो पूरी तरह से डैमेज है और कहीं कहीं पर अच्छे रोड बने हुए हैं। तो कह सकते हैं कि शायद रोड को बनाया जा रहा है लेकिन काम बीच बीच में रुक जाता है, क्योंकि हमें अभी तक कहीं नहीं मिला ऐसा देखने के लिए कि जहां काम चल रहा हो रोड को बनाया जा रहा हो। तीसा के बाद से यहां भी एक गांव मौजूद है, लेकिन खूबसूरती देखिए इस गांव की, लाजवाब। तो सामने से व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है और लोगों की कुछ शिकायत भी थी कि वीडियो बहुत बड़ी बनाते हैं आप, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम व्यूज़ दिखा सकें, मैक्सिमम रोड दिखा सकें, तो यही हमारा मकसद होता है और कुछ लोगों को पसंद आता है। जिनको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है तो प्लीज़ यार थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और वीडियो देखिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉइंट हम मिस करें। यहाँ सामने एक और मैकेनिक शॉप मौजूद है, अगर आपकी बाइक में या कार में कोई इश्यू होता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी मैकेनिक शॉप। खुशनगरी में भी मैकेनिक शॉप मौजूद थी और उस पावर स्टेशन से थोड़ा आगे आने के बाद भी मैकेनिक शॉप अवेलेबल है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो एक टूरिस्ट के माइंड में चलती हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करना चाहते हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी का एक खूबसूरत सा व्यू। और यही MS ब्लॉगर का मकसद होता है कि मैक्सिमम चीज़ों को, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ को हम अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकें, बता सकें। इन फ्यूचर अगर वो ट्रिप प्लान करते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें पहले से पता होंगी। नज़ारा देखिए आप यहाँ लेफ्ट हैंड पर, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं।
यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जगह जगह रुका जाए और इस खूबसूरती को 10-15 मिनट तक इंजॉय किया जाए। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं रुकते हैं। कारण ये है क्योंकि हमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, हम दिन भर ट्रैवल करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ व्यूज़ भी आपको दिखाते चलें, और आने वाली कुछ अगली सीरीज में हम लोग फूड भी इंक्लूड करने वाले हैं। कुछ लोगों का सुझाव था कि आप अपनी वीडियोस में, तो आप सभी एपिसोड में फूड को इंक्लूड कीजिए, वहाँ के स्थानीय फूड के बारे में भी बताइए, तो वो आपको नेक्स्ट सीरीज में हम जरूर दिखाने वाले हैं। रोड अब यहाँ पर कुछ अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। यह है यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर, सामने मौजूद है ओयो का होटल, तो ओयो की फैसिलिटी भी इस रास्ते में मौजूद है। रोड कितना नैरो है, मतलब पूरी तरह से गाड़ी को साइड ही करना पड़ता है, तभी दूसरी गाड़ी बाजू से निकल पाएगी। रोड देखिए आप कितना डैमेज है। कारण रोड के डैमेज होने का यह है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होना और बहुत ज्यादा बारिश होना। रोड बनाया जाता है लेकिन वो टूट जाता है। और आगे जाके गांव आएगा बैरागढ़, और बैरागढ़ के बाद तो सच पास तक पूरा ही रास्ता ऑफ रोड रहने वाला है और ग्लेशियर से भरा रहने वाला है, वो भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, वाकई में लाजवाब। जुलाई लास्ट वीक की ये वीडियो है। कुछ लोग पूछना चाह रहे थे कि कब आपने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, कब आप लोग वहाँ मौजूद थे, तो जुलाई लास्ट वीक में हमने ये ट्रिप की है। लाजवाब नज़ारे हैं। और हम लोग का क्या होता है कि हम लोग अगर कहीं पर स्टे कर लें तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन हम वहीं पर स्टे कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते भी नहीं हैं। तो यही कारण है कि हमारा ट्रिप बहुत बड़ा हो जाता है, इसी कारण से खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, करना कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कीजिए। ये व्यू देखिए आप यहाँ से, कितना शानदार है। घने घने बादल हमसे काफ़ी ज़्यादा नीचाई पर मौजूद हैं और हम बादलों से ऊपर आ चुके हैं। वहाँ सामने गांव मौजूद है, और ये जगह सथियास के आसपास का इलाका है। यहाँ से एक रोड डाइवर्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, जो सथियास गांव के लिए निकल जाता है। वो पॉइंट आने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से जो लेफ्ट हैंड पर ऊपर रास्ता जा रहा है वो सथियास गांव के लिए निकल जाता है। ये भी एक गांव है, इस गांव का एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन नज़ारे देखिए आप यहाँ से, कितने खूबसूरत लैंडस्केप हैं। और जितनी भी जगह हैं सारे सीनिक व्यू हैं, खड़े हो जाइए, इन व्यूज को एंजॉय कीजिए। और हम तो गाड़ी में बैठे बैठे भी इन व्यूज को एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि सामने से जो ब्यूटी हम देख पा रहे हैं ना रोड पर, वो अल्टीमेट है। यहाँ भी एक होमस्टे मौजूद था, रेस्टोरेंट भी मौजूद था। यहाँ आसपास में काफ़ी ज़्यादा खेती की गई है, और फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं धान की खेती की गई है। और ये जो इलाका है ये सीरी गांव के आसपास का इलाका है, एग्जैक्ट ये सीरी गांव ही है। रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कभी हम एक ट्रिप करें और ऐसे इन गाँवों में कुछ दिन गुजारें, 15 दिन या 1 महीना, और तब आपको यहाँ का जो कल्चर है वो आप एक्सप्लोर करें और आप तक अपना एक्सपीरियंस पहुँचाएँ। ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कब हम इस प्लान को फॉलो कर पाते हैं। अब नज़ारा देखिए, बादल लगभग नीचे पहुँच चुके हैं और बादलों से हम लोग ऊपर आ गए हैं। बहुत सुंदर नज़ारे हैं।
अगर ये सामने बादल नहीं होते ना तो हिमालय पर्वत की जो रेंज आपको देखने के लिए मिलने वाली थी ना वो आपके रोंगटे खड़े कर देती। लेकिन क्लाउड होने के कारण वो व्यूज हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बावजूद उसके भी खूबसूरती बहुत शानदार है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अब तक आप इस सीरीज़ की जितने भी एपिसोड देखे हैं उनमें सबसे एडवांस लेवल का ये होने वाला है, और ये तो शुरुआत है। इसके आगे हम जितना जाएंगे खूबसूरती पिछली वीडियोस के कंपैरिजन में बढ़ती चली जाएगी। तो सारे एपिसोड जरूर देखिएगा और शुरू से इस सीरीज को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, ये टोटली जितना भी इलाका जहाँ अभी मौजूद हैं टोटली बर्फीला इलाका है। सर्दियों में यहाँ बहुत भारी मात्रा में स्नोफॉल होता है और आगे तो हमें ग्लेशियर्स का भी सामना करना पड़ेगा। टेम्परेचर अब जितना हम आगे जा रहे हैं लो होता जा रहा है, रोड भी लगभग मुझे लग रहा है पहले के कंपैरिजन में नैरो हो गया है, टूटा हुआ है जगह जगह। सीधी से 4 किलोमीटर आगे आएंगे तो हनुमान मंदिर आता है, और हनुमान मंदिर के बाद करीब 800 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास बैरागढ़ नाम का एक गांव मौजूद है, वहां भी पहुंचेंगे। फिलहाल ये नज़ारे देखिए आप। पहाड़ों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से बर्फीले पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ बर्फबारी होती है, और स्ट्रक्चर पहाड़ों की ऐसी लग रही है देखने में कि मानो कभी भी बिखर के नीचे गिर जाएंगे, तो उस लिहाज से उतना सेफ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ गाड़ी रोक कर एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए ये खड़ी हुई है हमारी यहाँ पर कार, सामने अब सचपास है और पीछे जो तीसा से हम लोग आए हैं। तो अभी सचपास की ओर जा रहे थे, बैरागढ़ से थोड़ी दूर पहले ही रुके हुए हैं, और यहाँ से जो नज़ारे नजर आ रहे हैं बहुत खूबसूरत मस्त वाले मस्त। वेदर भी काफी अब ठंडा होता जा रहा है। आप जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ना, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी है क्योंकि एलिवेशन बढ़ता जा रहा है, तो ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होने लगी है जो एक एक्यूट लेवल पर है। और माउंटेन सिकनेस ऐसी जगहों पर हो जाती है। माउंटेन सिकनेस भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस और एक होती है सीवियर माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में आपको सर दर्द, उल्टी जैसी शिकायतें होती हैं, चक्कर आने जैसी शिकायतें होती हैं, और जो सीवियर होती है उसमें चेस्ट पेन और ब्रीथलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर उस तरह की कंडीशन आपको होती है तो तुरंत आप निचले इलाकों की ओर निकल जाइए। एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक नॉर्मल बात है, उसके लिए पानी आप रेगुलर पीते रहिए, कुछ पेन किलर कुछ एंटी एमेटिक टैबलेट अपने साथ रखिए, ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको यूज़ कीजिए। रोड आप देख पा रहे होंगे कि अब रोड काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर जा रहा है, यानी खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। अब जितना हम आगे बढ़ेंगे ऊंचाई उतना बढ़ती जाएगी, एलिवेशन उतना बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल भी कम होता चला जाएगा। रोड बहुत खतरनाक है, लेफ्ट हैंड पर बहुत गहरी खाई है जहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, तो ड्राइविंग करना भी अपने आप में यहाँ बहुत बड़ी बात है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आपका ड्राइविंग स्किल पहाड़ों पर बहुत अच्छा है तो ही आप पर्सनल कार लेकर सच पास आइएगा, अदरवाइज आप मत आइएगा। आपको चंबा से टैक्सी मिल जाएगी, आपको डलहौजी से भी टैक्सी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो जाता है कभी कभी पर्सनल कार लाने वालों के साथ में। हम लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे तो हमने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी जिसने हमें झंझोड़ दिया था, तब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। इस बार हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उन लोगों तक भी वो मैसेज पहुँचाएंगे जो यहाँ आना चाहते हैं, और किन तकलीफ़ों को आपको सामना करना पड़ सकता है वो भी दिखाएं।
सामने एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, पढ़ के आपको बताते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि सावधान, आगे सड़क क्षतिग्रस्त है, कृपया करके सावधानी पूर्वक चले। अब वो रोड स्टार्ट हो चुके हैं जहाँ रोड लगभग 80% डैमेज मिलेगा। खाई की साइड में किसी भी तरह की आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाली है। पहाड़ लगभग ऐसे हैं जो शायद कभी भी गिर जाए। बहुत डेंजरस आगे की जर्नी रहने वाली है, तो वीडियो को अभी पूरा ज़रूर देखिएगा। रोड आप देख ही रहे हैं, रोड है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ों को काटा गया है, रास्ता बना हुआ है जो पूरी तरह से कच्चा है, जगह जगह रोड पर पानी है। अभी हम उस लोग और ही चल रहे हैं। रोड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन वो ऐसी जगहों पर काफ़ी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, बर्फबारी होती है और बारिश पड़ती है। सामने से व्यूज़ देखिए आप, कितना शानदार है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। टूटे हुए रोड पर गाड़ी ड्राइव करना और वो भी अपहिल खड़ी चढ़ाई, काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। यहाँ पर रोड कुछ ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। सामने वो आ गया है जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था, ये हनुमान मंदिर है, छोटा सा मंदिर लेकिन बहुत खूबसूरत। एक बार फिर से अच्छे रोड के बाद टूटा हुआ रोड, तो इस तरह के पैचेस लगातार मिलेंगे। और बैरागढ़ के बाद तो सच पास तक सारा ही रोड लगभग डैमेज है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 80% तक रोड डैमेज ही मिलने वाला है। और बैरागढ़ के बाद तो 90% या फिर कह लीजिए 100% ही रोड डैमेज है, उसमें भी तगड़ी लैंडस्लाइड, हैवी स्नोफॉल और रिवर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। सेंट्रो का भी परफॉर्मेंस चेक करना है हमें, कैसा परफॉर्म करती है। सामने जो गांव आप देख रहे हैं ये बैरागढ़ है, बैरागढ़ में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और बैरागढ़ में बहुत सारे होटल और होम स्टे मौजूद हैं, यहाँ पर एक मैकेनिक शॉप भी मौजूद है। बैरागढ़ से अभी हम लोग आगे निकलेंगे। अगर आपको बैरागढ़ में स्टे करना है तो आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन स्टे करने के लिए आप होम स्टे या होटल का चुनाव करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों का रवैया ना बहुत गंदा रहता है। ख़ास तौर पर यहाँ पर एक होम स्टे है, मन्नत होम स्टे, जिसके बारे में मुझे मेरे दोस्तों ने भी बताया था, और काफ़ी कंप्लेंट हमने इस होम स्टे के बारे में सुनी है। मन्नत होम स्टे, यहाँ का इन लोगों का रवैया बहुत गंदा है। तो पीछे एक होटल था, चामुंडा होटल, वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ के, यहाँ पे जो नीचे गांव में लोग मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने होम स्टे बनाए हुए हैं, एक या दो कमरे वो रेंट पर दे देते हैं, वहाँ आप रुक सकते हैं। तो बी केयरफुल होम स्टे में रुकते वक्त या किसी होटल में रुकते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी हम बैरागढ़ से आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा बैरागढ़ बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा गांव है। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए हैं और ये रास्ता ना आगे लद्दाख तक जाता है। जी हाँ, यहाँ से आप किल्लड़ होते हुए केलांग और केलांग से लद्दाख के लिए निकल सकते हैं। ये एक अल्टरनेट रास्ता है और आर्मी वाले इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो पठानकोट से किश्तवाड़ जाते हैं वो लोग इसी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो लद्दाख जाने के लिए भी ये सच पास होते हुए एक अल्टरनेट रास्ता हो सकता है। कुछ ज़्यादा एडवेंचरस लोग जो सच पास के साथ साथ लद्दाख करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ भी जगह जगह होम स्टे मौजूद हैं, तो किसी भी होम स्टे में आप रुक सकते हैं। जिस होम स्टे में कंप्लेंट ज़्यादा थी उसका नाम मैंने आपको बता दिया है, मन्नत होम स्टे। बहुत ख़राब रवैया है उन लोगों का, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ने भी बताया था। ये आ गई है सतरुंडी चेक पोस्ट, यहाँ पर हमें रोक लिया गया है। क्या होगा यहाँ पर इस चेक पोस्ट पर वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है तो वीडियो को भी हमें यहाँ एंड करना होगा। सतरुंडी चेक पोस्ट पर क्या क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे और आगे की जर्नी करेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं हमारे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।
नेक्स्ट एपिसोड में आपको सतरुंडी चेक पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ हमें क्यों रोका गया और क्या क्या यहाँ होने वाला है। अगर आप यहाँ आते हैं तो क्या क्या आपको चेक पोस्ट पर दिखाना होगा, सारी बातें और आगे की जर्नी सच पास की नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत